दोस्तों, पूरी दुनिया में पाइपलाइनों का जाल बिछा हुआ है। इन पाइपलाइनों की कुल लंबाई करोड़ों किलोमीटर्स में है, जो पानी, गैस, पेट्रोलियम जैसी चीजों को एक शहर से दूसरे शहर और यहाँ तक कि एक देश से दूसरे देश तक पहुँचाने का काम करते हैं। आज के समय में पाइपलाइंस को जमीन के नीचे ही नहीं बल्कि समंदर के तल पर भी बिछाया जाता है। आइए देखते हैं पाइपलाइंस के निर्माण और जमीन से लेकर समंदर में पाइपलाइन बिछाने का पूरा प्रोसेस। दोस्तों, इस फैक्ट्री में बनाए जाते हैं पानी को पहुंचाने वाले बहुत बड़े बड़े पाइप्स। ये हैं हाई डेंसिटी के भारी भरकम प्लास्टिक पाइप्स, जिन्हें स्टील के पाइप्स के बराबर मजबूत माना जाता है, और साथ ही साथ ये पानी में किसी तरह का जंग भी नहीं छोड़ते हैं। इस तरह के पाइप्स का निर्माण प्लास्टिक के दानों से किया जाता है। मशीन प्लास्टिक के दानों को पिघलाकर उन्हें इतने बड़े पाइप में बदल देती है और ये बड़े आराम से इस मशीन से बाहर निकल आते हैं। यहाँ पर हर एक पाइप का क्वालिटी चेक किया जाता है, ताकि ये पक्का किया जा सके कि पाइप जरूरत के साइज और मोटाई के अनुसार बने हैं। लीजिए, पाइपों को फैक्ट्री में तैयार कर लिया गया है। अब इन्हें साइट पर ट्रांसपोर्ट कर लिया जाता है। पानी की पाइपलाइन बिछाने के लिए इस प्रकार का गड्ढा तैयार किया जाता है, जिसके अंदर पाइपों को एक एक करके रखा जाता है। सभी पाइपों के सही अलाइनमेंट के लिए इस तरह की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो पाइपों को बिल्कुल बराबर ऊंचाई पर फिक्स करते हैं। पाइप्स बराबर ऊंचाई पर एक दूसरे के मुंह के बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं। इसके बाद हीटर का इस्तेमाल करके पाइपों के मुंह को गर्म करके पिघलाया जाता है और पाइपों को गर्म अवस्था में आपस में जोड़ दिया जाता है। खास तरह के प्लास्टिक से बनी ये पाइप्स आपस में मजबूती से चिपक जाते हैं। असल में यहाँ पर पहले से ही स्टील के बने पाइप्स बिछाए हुए थे, जिन पर जंग लगने से वे बिल्कुल खराब हो गए। इसलिए अब लोहे के सड़े गले पाइपों की जगह इस तरह के प्लास्टिक के पाइपों को बिछाया जा रहा है। इन पाइपों की मोटाई पहले से ही बिछाए गए स्टील के पाइपों से कुछ कम रखा गया है, जिससे ये आसानी से उन्हीं पाइपों के भीतर से निकल सके। इस तरह की मशीन का इस्तेमाल करके पाइपों को खींचकर सही जगह पर फिट कर लिया जाता है और पूरी पाइपलाइन को बिछा लिया जाता है। ये है यूरोप में स्थित 120 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण, जिसका प्रयोग प्राकृतिक गैस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाएगा। गैस पाइपलाइन को बिछाने के लिए प्लास्टिक के पाइप्स की जरूरत नहीं है। इस काम के लिए स्टील के पाइप्स का इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट्री में पहले से ही तैयार किए गए इन स्टील के भारी भरकम पाइपों को साइट पर पहुंचाया जाता है और इसके बाद शुरू होता है इन पाइपों को आपस में जोड़ने का काम। इन स्टील पाइपों को आपस में वेल्डिंग की मदद से जोड़ा जाता है। इसके लिए पाइपों के किनारों को घिसा जाता है, ताकि वेल्डिंग का काम मजबूती से किया जा सके। पाइपों को सही प्रकार से आपस में जोड़ने के लिए अलाइनमेंट मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे पाइप के भीतर से गुजारा जाता है और पाइप्स एक ही लाइन में अलाइंड हो जाते हैं। सही ऊंचाई पर आ चुके इन पाइपों को वेल्डिंग की मदद से आपस में जोड़ा जाता है। इस प्रकार का गड्ढा बनाने वाली मशीन का इस्तेमाल करके जमीन में पाइपों के लिए जगह बनाई जाती है। कई सारी पाइपों को वेल्डिंग की मदद से आपस में जोड़ दिया जाता है और फिर उसके बाद उन्हें गड्ढे में लगाने का काम शुरू किया जाता है। इसके लिए कई सारी क्रेनों को एक साथ काम पर लगाया जाता है। क्रेनों द्वारा पाइपलाइंस को जमीन के भीतर बिछाने के बाद उन पर जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल करके मिट्टी डाली जाती है और उस जगह को पहले की ही तरह स्मूथ बना दिया जाता है।
और इस तरह से 120 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन को बिछाकर गैस ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम हो जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पाइपलाइंस ट्रांसपोर्टेशन का सबसे सस्ता साधन है? हाँ, ये जरूर है कि पाइपलाइन बिछाने में शुरू का खर्चा बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बाद पाइपलाइंस का इस्तेमाल कई दशकों तक फ्री में किया जा सकता है और आसानी से पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। भारत प्राकृतिक गैस की सप्लाई ईरान, बर्मा और कुछ अन्य देशों से पाइपलाइन के द्वारा ही प्राप्त कर रहा है, लेकिन इस काम में सबसे बड़ी दिक्कत है देशों के बीच में समंदर या सागर का होना। समंदर में पाइपलाइन बिछाना जमीन पर पाइपलाइन बिछाने की तुलना में ज्यादा मुश्किल और खर्चीला है, लेकिन इस प्रकार की तकनीक भारत में मौजूद है। ये है ONGC का अंडरसी पाइपलाइन बिछाने का जहाज। यहाँ पर इस जहाज में ही एक पाइप के पीछे दूसरी पाइप को वेल्डिंग करके जोड़ा जाता है। इस काम को हिस्सों में पूरा किया जाता है। सबसे पहले स्टील के पाइप के किनारों को घिसा जाता है। अगले हिस्से में इन पाइपों को वेल्डिंग की मदद से आपस में जोड़ा जाता है। इस काम के लिए आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जिस जगह पर वेल्डिंग की गई है उसे बहुत ही अच्छे प्रकार से जांचा जाता है ताकि वहां से किसी प्रकार की लीकेज ना हो सके, नहीं तो पूरा काम बिगड़ जाएगा। इसके लिए पाइपों का एक्सरे किया जाता है और वेल्डिंग किए गए जगह पर खास तकनीक का इस्तेमाल करके वाटरप्रूफ मटेरियल की परत को चढ़ा दिया जाता है। इस जहाज पर 24 घंटे काम चलता रहता है। एक तरफ पाइपों को जोड़ने का काम होता है और दूसरी तरफ पाइप को समंदर में उतारने का काम चलता रहता है। मशीन की सहायता से पाइपों को खिसकाते हुए समंदर तल पर उतारा जाता है। समंदर में इस काम की जांच करने के लिए इंजीनियर्स समंदर के भीतर उतरते हैं और पूरा काम ठीक से खत्म करते हैं। इस प्रकार से समंदर के भीतर पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा किया जाता है। दोस्तों, पाइपलाइन बिछाने से संबंधित जानकारी से भरपूर इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दें ताकि इस प्रकार के वीडियोस बनाने के लिए हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। इसी प्रकार के जानकारी से भरपूर वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।